हाय, दिस इज़ सफ्तरिशी यार बहुत दिनों से व्लॉग या फिर वीडियोस नहीं बनाएँ आज काफ़ी दिनों के बाद आई एम जस्ट फेसिंग ऑन द कैमरा और आई वांटेड टू शेयर समथिंग दिस इज़ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन आफ्टर स्टेइंग ऑलमोस्ट लाइक टू टू थ्री मंथ्स इन द इंडियन विलेज कि यहाँ पे वॉट इज़ द सिचुएशन आई एम फेसिंग राइट नाव वाट गोइंग ऑन इन माई लाइफ एक्चुअली आई जस्ट वॉन्टेड टू कनेक्ट विद द पीपल दू आर फॉलोइंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल होम आवर ट्रेवलर एक्चुअली सो मेरा जहाँ पे घर है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे लगभग मैं अपना जो ट्रैवल जर्नी ऑलमोस्ट दो हज़ार इक्कीस के बाद बंद ही कर दिया हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ही इतना कुछ है देखने के लिए इतना कुछ है जीने के लिए तो इसीलिए मैंने सोचा कि देर आर टू वेज़ ऑफ डूइंग कंटेंट क्रिएशन वन वे इज़ टू कि मैं यहाँ से निकल करके पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड द सेकेंड वे इज़ मैं यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर जो एक्सप्लोर करने लायक जगह है जो कल्चर है जो ट्रेडिशन है जो कुछ भी यहाँ का है इसको वर्ल्ड के सामने लेके जाऊँ तो मुझे लगा कि मेरे लिए दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा क्योंकि जब मैं मतलब पूरा इंडिया का अलग अलग जगह पे घूम के आया और घूम के आने के बाद मैंने यहाँ का एसेंस समझा तो एक्चुअली मुझे लगा कि जो जगह पे अभी मैं हूँ और इस जगह का वैल्यू करना मतलब इस जगह में से बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे ही बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं तो इसीलिए लगभग थोड़ा बहुत टाइम बाहर चला जाता हूँ लेकिन मेन जो मेरा कंटेंट क्रिएशन का फोकस होता है मैं यहीं पे कर रहा हूँ और इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे कुछ अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई रन वन स्मॉल फेसबुक पेज और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल जो मेरा लोकल कॉन्टेंट क्रिएशन को बेस करके एक्चुअली इफ़ आई से अबाउट माई लाइफ तो मैं यहाँ का जो एक्सप्लोरेशन है इसको शुरू किया था और यहाँ से जो दुनिया को एक्सप्लोर करने का जो जर्नी था उससे शुरू किया था और मैंने अलग अलग प्रस्पेक्टिव ऑफ लाइफ देखा अलग अलग जगहों में रहा अलग अलग लोगों के साथ मिला तो एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है अभी जो सिचुएशन पे हूँ जो मेरे अंदर चल रहा है दैट इज़ इंडिया का भी जो गांव है इस गांव पे यहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है या फिर यहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल है इस लाइफ स्टाइल पर अगर इफ़ आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन या फिर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो भी चीज़ आता है जो भी हमारे समाज में जो भी कुछ होता है वो एक थॉट प्रोसेस से निकल के आता है फॉर एग्जांपल, अभी हमारे गांव पे या फिर इंडिया का जो रूरल लोग हैं उनके दिमाग में या फिर उनके अंदर एक ही एस्पिरेशन होता है कि हाउ कैन आई मेक या फिर हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ स्टाइल बेटर इन डिफरेंट वेज़ चाहे वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल को लेके हो या फिर हम लोग जो तरीक़े पे अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं उस तरीके से कैसे बेटर हो सकते हैं अपने ज़िंदगी को कैसे बेटर तरीके से जी सकते हैं तो उसी तरीके का जो चक्कर में हम लोग इतना रे रेड रेस में पड़े हुए हैं रेड रेस नहीं रेड रेस में पड़े हुए हैं रेड रेस का मतलब है कि यहाँ पे जो हमें मिला हुआ है जब फ्रेश एयर मिल रहा है फ्रेश वेदर मिल रहा है इतना कुछ एक्सप्लोरेशन के साथ मिल रहा है एक कम्युनिटी लिविंग मिल रहा है एक आ, मतलब सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ मिल रहा है तो यहाँ पे अगर किसी को मैं समझाने का कोशिश करूँ कि ये लाइफ ही सही है यू डोंट नीड टू गो टू सम बिग प्लेसेस आपको ज़्यादा सामान का जरूरत नहीं है जीने के लिए सो दिस विल बी ए कंप्लीट बुल सेट फॉर द पीपल लोग बोलेंगे आर यू क्रेज़ी या तो तुम पागल हो गयो या फिर तुम बहुत क्रेजी हो गयो क्योंकि ये जो एक्सपरेशन है जो जीवन जीने का एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली हमें घुसाया गया है फ्रॉम वेस्टर्न मीडिया वेस्टर्न लोग वेस्टर्न कॉरपोरेट्स जिनके पास सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो बिजनेस क्योंकि जो वेस्टर्न लाइफ है जिसके और अभी इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियंस एस्पिरेशन करते हैं कि ऐसा जीवन मेरे को जीना है ये होगा वो होगा ये टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा तो ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ तो हम लोगों से फार बेटर है इन टर्म्स ऑफ़ मेटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी उनका जीवन जीने का जो तरीका है लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये जीवन में कुछ ना कुछ कमी है इसीलिए फिर वो लोग सस्टेनेबिलिटी जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल ये सारी चीज़ में फोकस करने लगते हैं आप यूट्यूब पे जितना सारा कंटेंट को खोल के देखोगे सस्टेनेबिलिटी, मिनिमलिज्म जीवन जीने का एक अच्छा ढंग होना चाहिए एक अच्छा तरीका होना चाहिए तो वो सारा फॉरेन कंटेंट है इंडिया में शायद बहुत कम ही क्रिएटर होगा जो लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर इस चीज़ के बारे में बता रहे होंगे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लाइक लाइक अभी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं एक्चुअली सुबह से लेके उठने के बाद रात में सोने जाने तक दिस इज़ कम्प्लीटली ए वेस्टफुल लाइफ स्टाइल वेस्टफुल लाइफ स्टाइल का मतलब मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो हमारा इंडियन लाइफ स्टाइल था ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल था प्लानेट कैसे चल रहा है उसके फ्लो के साथ था बहुत ज़्यादा स्लो था बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट था जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम था वो काफ़ी कुछ सिखा जाता था कौन सा पेड़ है वो हमें नहीं पता कौन सा बीज है वो हमें नहीं पता जो बेसिक हमारा जो कॉड है हर एक चीज़ के साथ कनेक्शन का कॉड वो हमें मतलब कनेक्शन काट दिया गया हमारा जो लोकल विजडम है लोकल ट्रेडिशन है लोकल कल्चर वो कॉर्ड काट दिया गया और उसके बदले में हमें दिखाया गया कि ऐसे ज़िंदगी आप जियो जैसे सुबह में उठते हैं उठने के बाद एक टूथपेस्ट होता है एक ब्रश होता है फिर हम लोग उससे टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं ब्रश को यूज़ करते हैं अपने मुंह को धोते हैं फिर मुंह धोने के बाद हम लोग जो खाना खा रहे हैं जैसे कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी बनाना हो या फिर जो ब्रेकफास्ट हो उसके बाद जो चाय पी रहे हैं उसके बाद जो साबुन यूज़ कर रहे हैं जो रेज़र यूज़ कर रहे हैं सो दिस इज़ कम्प्लीटली ए वेस्टफुल क्योंकि टूथपेस्ट और टूथब्रश से शुरू करता है पहले हमारे गाँव पे हमारे लोग यहाँ पे दातुन यूज़ करते थे तो दातुन वाज लाइक कम्प्लीटली नेचुरल मतलब जिसको आप यूज़ करने के बाद ज़मीन में फेंक दो या फिर मिट्टी में फेंक दो मिट्टी के अंदर मिल जाता था लेकिन हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने सिखाया कि आप जो दातुन यूज़ कर रहे हो इसको यूज़ करने के वजह से आपको गवाड़ कहलाएगा इसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में सो यू नीड टू गो टू सम एरिस्टोक्रेट टाइप लाइफ और वहाँ पर आपको टूथपेस्ट और टूथब्रश कंज्यूम करना होगा और आज वही वेस्टर्न लाइफ हमें बोल रहा है कि नहीं आप जो चारकोल से मूध धोते थे जो राख से मूध धोते थे जो नीम से मूध धोते थे उसी को टूथपेस्ट में डाल डाल के दिखा रहा है सो अभी मैं अपने घर पे ही कोशिश कर रहा था कि जीरो वेस्ट लाइफ को लीड किया जाए थोड़ा सस्टेनेबल लाइफ को लीड किया जाए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक थैली लेकर निकलता हूँ अपने घर से मतलब मेरे पास अभी कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए लेकिन अगर मैं एक थैली लेकर निकलता हूँ अपने घर से और मार्केट पे जाता हूँ तो वहाँ पे इतने सारे प्लास्टिक कंज्यूम करने से बेटर है कि उसके अंदर सारा सामान ले लूँ तो मैं कितना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को कम कंज्यूम कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं घर से अपना एक ग्लास निकल निकलता हूँ ग्लास छोटा सा ग्लास तो वो ग्लास ले के निकलने के बाद मैं जब भी जाऊंगा मतलब कहीं पे भी चाय पीने का मन हुआ कहीं पे भी पानी पीने का मन हुआ तो मैं वो ग्लास पे अगर चाय पीना शुरू कर दूंगा या फिर पानी पीने पीना शुरू कर दूंगा और ये अगर मैं पूरा 365 डेज अराउंड द ईयर करता रहूंगा तो मैं अपने खुद के एफोड से कितने सारे प्लास्टिक सेव कर रहा हूँ कितने सारे इन्वायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है मैं खुद का बोझ किस तरीके से कम कर रहा हूँ ये अगर चीज़ मैं अपने गाँव में समझाने का कोशिश करूँ या फिर मेरे घर में समझाने का कोशिश करूँ पीपल विल सेवी दैट टाइम कम्प्लीटली ब्लैंक और मेरा दिमाग आउट हो चुका है ये कौन सा जीवन जीने का तरीका है दे विल जस्ट सेम इ दैट कि तुम जंगल में वापस चले जाओ एक्चुअली जीवन का तो वही सही तरीका था कि हम लोग वेस्टफुल नहीं रहते थे जो जीवन था मतलब छोटा चीज़ था छोटा घर था छोटा सामान था लेकिन उस पर भी इंजॉय करते थे दैट वॉज लाइफ बट अभी वो नहीं हो रहा है ये जो सस्टेनेबिलिटी का बात करते हैं जो मिनिमलिज्म का बात करते हैं जो जीरो वेस्ट का बात करते हैं ये एक्चुअली इंडियन कल्चर में बहुत पहले से चला आ रहा है आज एक दो साल तीन साल आ, मतलब पीछे सॉरी एक दो साल तीन साल नहीं एक दो तीन जनरेशन के पीछे अगर जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाएगा कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे या फिर उनके एक दो पहले के जनरेशन हुआ करते थे वो तो अपने ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं वेस्ट जनरेट करते थे आज मैं अपने ज़िंदगी में एक महीने में जितना कचरा निकालता हूँ उतना कचरा को मतलब रिसाइकल करने का तो कोई तरीका नहीं है चाहे ई वेस्ट के तौर पर देखा जाए चाहे अपने क्लोथ्स के वेस्ट के तौर पर देखा जाए या फिर जो भी कुछ है जो भी वेस्ट के तरफ़ देखा जाए और इसी को अगर मैं एक दो जनरेशन पहले देखूँ तो वहाँ पे वो लोग तो मतलब मैं एक महीने में जितना कचरा प्रोड्यूस किया हूँ वो शायद उतना कचरा अपने पूरे ज़िंदगी में प्रोड्यूस नहीं किए तो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ है कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन जीने का तरीका है इसमें कुछ ना कुछ भूल है इसको सुधार करने का ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं किसी को बोलूँगा कि यूनिट टू रू दिस और यूनिट टू डू दैट मैं अपने ज़िंदगी में जो भी चेंज कर सकता हूँ मैं वो करने का कोशिश करूँगा और इवन अपने जो खास लोग हैं उनके साथ मिल के हम लोग एक कम्युनिटी एफर्ट लगा सकते हैं इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते सो दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ माय रिफ्लेक्शन मैं लगभग बहुत समय से इसको सोच रहा था कि लोगों के साथ बताऊँ मेरे कम्यूनिटीज़ के साथ बताऊँ कि एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल और एक सस्टेनेबल सोच इंडियन गाँव में अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें दूसरा जीवन जीने का ड्रीम दिखाया गया है सो इट नॉट सो हेल्पफुल और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भी बात किया करो ऑलरेडी आई शेयरड इन वन ऑफ माई ब्लॉग्स दैट कि मैंने कैसे अपना एजुकेशन सिस्टम छोड़ा क्योंकि मेरे को लगा कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है ये वैल्यू क्रिएशन नहीं करता है आपको खाली एक रोबोट बनाता है क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इस एजुकेशन सिस्टम में आपका जो बेसिक चीज़ के साथ कनेक्शन काट देता है जैसे खाने को लेकर हो घर को लेकर हो कपड़े को लेकर हो सो अर्लीयर वी यूज टू ग्रो आर ओन फूड वी यूज टू मेक आर ओन होम्स वी यूज टू मेक आर ओन क्लोथ्स बट अभी ये कैपिटलिज्म और ये जो कारपोरेट्स टाइम आ गया है यहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ के लिए ग्लोबल पूरा दुनिया के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं अपना खाने को लेकर और जिसमें जो भी ब्लाइंडली मतलब हमें एडवर्टाइज़ किया जाता है हम उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं सो दिस इज़ लाइक के इडियोक्रेसी गोइंग ऑन तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे अपना जीवन जी रहा है कौन क्या कर रहा है सो हाउ आई एम एफेक्टिंग एंड हाउ आईम माई लाइफ स्टाइल इजेक्ट एफेक्टिंग मैं इतना ही कर सकता हूँ और मेरा एक छोटा सा कम्युनिटी है ऑन माय यूट्यूब तो उनके साथ मेरा जो थाट था मेरा जो रिफ्लेक्शन था वो मैंने शेयर किया दिस इज़ ऑल अबाउट माई थिंग्स गोइंग ऑन इन लाइफ बस इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा आज का जो मतलब वीडियो था इसका एक ही मतलब टॉपिक था या फिर एक ही बात करने का मेरा हाँ। जो भी है एम था दैट इज़ कि अभी हम लोग किसी को बोल नहीं सकते आप सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल जियो आप मिनिमलिज्म को जियो आप ख़ुद अपने ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा ट्राई करो एंड आई थिंक इट विल जस्ट डू सम चेंज लोगों को देख के ही समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो या फिर आप क्या करना चाहते हो थैंक यू